अगर आप सिंगापुर में पढ़ाई कर रहे हो और अगर आप डिग्री ले रहे हो तो कौन कौन सी ऐसी 10 डिग्रियां हैं जो सिंगापुर में अगर आप पढ़ाई करते हो, डिग्रियों को लेते हो इन यूनिवर्सिटीज में, तो आपको बहुत ज़्यादा पैकेज मिलने वाला है फॉरेन कंट्रीज में भी और सिंगापुर में भी आपको अच्छा पैकेज मिलने वाला है। आज एम्प्लॉयमेंट पास आपकी सैलरी $70,000 पर एनम के आसपास होने वाली, तो इस वीडियो में देखो कौन कौन सी डिग्रीज हैं जो आप कर सकते हो सिंगापुर, अपना फ्यूचर बना सकते हो, 100% जॉब सिक्योरिटी है इन फ्यूचर में सिंगापुर में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो पूरी देखना इस वीडियो को। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों ने पूछा था कि सर सिंगापुर में ऐसी कौन सी पढ़ाई करी जाए, कौन सी डिग्री ली जाए। ये वीडियो डिग्री होल्डर्स के जो डिग्री परस्यू करना चाहते हैं बैचलर डिग्री, और अच्छी अच्छी बैचलर डिग्री करने के बाद उनको फ्यूचर में बहुत अच्छी नौकरी मिले, सिंगापुर में भी उनको काफ़ी अच्छे चांसेस मिले, ऐसी कौन सी डिग्री है, ऐसी कौन सी एजुकेशन ली जाए। तो वर्ल्ड में पता तो बहुत सारी ऐसी एजुकेशन है, आप कहीं भी एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन सिंगापुर में ऐसी कौन सी एजुकेशन है जो बहुत डिमांडेबल है, आज बताने वाला हूँ टॉप 10 डिग्रीज जो आपको हेल्प कर सकती है फ्यूचर में जॉब लेने के लिए, एक अच्छी पोजिशन के लिए, एक अच्छा करियर बनाने के लिए। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो, गलती से मेरा चैनल देख लिया है भाई, तो शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन ऑल का बटन दबा दें ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सिंगापुर में रिलेटेड कोई भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो मेरे चैनल को जाके देख लेना, वर्क परमिट, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, फ्यूचर में अपडेट्स आने वाली है, तो ऑल का बटन दबा देना। लेकिन आज जो वीडियो है ये पढ़ाई के ऊपर है कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं सिंगापुर में, एक्चुअली बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज की डिग्री अगर आप कर लेते हो तो भाई आपका 100% करियर सिक्योर है। इन यहां पर नहीं, यूएस में भी जॉब लग सकती है आपको वीजा से, तो आप सिंगापुर में एम्प्लॉयमेंट वीजा तो कंफर्म है ही है। ये कौन कौन सी डिग्रीज हैं, तो अगर इन डिग्रीज में अगर इनकी अगर आप चाहते हो इस कॉलेज की यूनिवर्सिटीज की फीस कितनी, वो अलग से एक वीडियो आएगी, लेकिन यार डिग्रीज के नाम बताने वाला हूं, कितने का पैकेज मिल सकता है आपको अगर ये डिग्रियां करते हो बहुत ही वर्ल्ड में। बता दो सिंगापुर की जो यूनिवर्सिटीज हैं टॉप 10 के अंदर आती है, और अगर आप वर्ल्ड की बात करें टॉप 50 के अंदर आती है, कुछ यूनिवर्सिटीज तो टॉप 3 इन साउथ ईस्ट एशिया, इन एशिया में टॉप 10 और वर्ल्ड में टॉप 50 क्या। तो भाई यहां से डिग्री लेने का मकसद है आपका करियर बहुत अच्छा बनने वाला है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं भाई, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। जो पहले नंबर पर डिग्री है भाई वो NTU नेशनल टेक्निकल कल यूनिवर्सिटी जो है NTU की, बहुत बड़ी फेमस, आप NTU सिंगापुर डालोगे आपको पता लग जाएगी। लेकिन डिग्री कौन सी है, ड्यूअल डिग्री इन बिजनेस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग, तो यानी कहने का मतलब इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। इसकी जो आपका सैलरी पैकेज मिलेगा मंथली आपको 6,300 पर मंथ मिनिमम सैलरी है, आपका टैलेंट है तो आपको ज्यादा, तो बहुत अच्छी डिग्री है भाई ये। अगर आप इनमें से करते इसकी फीस कितनी होगी भाई, ड्यूअल डिग्री का मतलब है कि आपको कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग में डिग्री आपको मिल रही है, तो भाई इसका जो आपको मेरे हिसाब से इसकी सैलरी जो है पर ईयर के हिसाब से 70,000 के आसपास जाएगी। अब हम देखते हैं आपकी स्क्रीनशॉट भी देख लेना, और जो नंबर दूसरे पर रखी है NUS नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, स्क्रीनशॉट देखो कंप्यूटर साइंस, ओके कंप्यूटर साइंस, तो इस ऑलमोस्ट मेजर जो डिग्रीज हैं वो साइंस, कंप्यूटर साइंस और IT से रिलेटेड है और बिजनेस से रिलेटेड है। लेकिन जो पहले नंबर पर मैंने बता दी, दूसरे नंबर पर जो है कंप्यूटर साइंस अगर आप यहां से करते हो तो आपका 72,000 पर एनम जाता है, जो एम्प्लॉयमेंट पास के लिए आपको रेफर करता है SNUS। तीसरे नंबर पर है SMU सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, ये लॉ कॉलेज, अगर आप लॉ करते हैं, लॉ की स्टडी करते हैं, तो आपका इसमें मंथली पैकेज जाता है $5,500 महीने का, तो भाई तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे NUS लॉ, भाई देखो सिंगापुर में जो लॉ की बहुत ज्यादा वैल्यू, अगर आप लॉ की डिग्री करते हैं यहाँ पर NUS SMU किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी जो यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है आपको पैकेज मिलता है, तो चौथे नंबर पे NUS लॉ 5,150, आप स्क्रीनशॉट देखो भाई, ठीक है। पांचवें नंबर पर जो मैंने रखी है NUS, तो कुल मिला के आपने देखा होगा सिंगापुर में NUS NTU SMU और NUS बिजनेस एनालिटिक्स, कहने का मतलब अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई डिग्री करना चाहते हो तो बिजनेस एनालिटिक्स कर लो भाई, $5,000 का आपको महीने का पैकेज मिलने वाला है।
और NUS की जो डिग्री होती है वर्ल्ड वाइड वैलिड है, आप एक बार डाल लेना NUS रैंकिंग इन द वर्ल्ड, तो बहुत ही टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है। पांचवें नंबर पे मैंने आपको बताई दी, आप स्क्रीनशॉट जरूर देख लेना। नंबर छठे पर रखिए NUS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, NUS इंफॉर्मेशन सिस्टम, NUS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आपका सैलरी पैकेज 60,000 पर एनम होने वाला है। सातवें नंबर पर रखा है SMU इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। स्क्रीनशॉट देखो तो भाई कुल मिला के कहने का मतलब ये IT इज द नंबर वन इन सिंगापुर। तो IT से रिलेटेड आप डिग्री कर रहे हो NUS NTU या SMU से, तो आपकी जॉब 100% सिक्योर है। गवर्नमेंट में भी आपकी जॉब लग सकती है, क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, अगर आपका गवर्नमेंट में बॉन्ड हो जाता है तो आपको 3 साल की डिग्री के बाद गवर्नमेंट में भी जॉब आपको मिल सकती है। तो 6 साल आप काम कर सकते हो, इन फ्यूचर आप कहीं भी वर्ल्ड वाइड जॉब कर सकते हो। नंबर सातवें पे मैंने बता ही दिया। नंबर आठवें पे NTU कंप्यूटर साइंस, और इसकी अगर आप चाहते हो इनकी फीसेस कितनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो करीब करीब $40,000 के आसपास है। लेकिन भाई देखो, अगर आपने अभी इन्वेस्ट करा अभी पढ़ाई के लिए, तो आपकी नौकरी बहुत सिक्योर है भाई। और यहाँ की जो वैल्यू है पूरे वर्ल्ड वाइड में वैल्यू है NTU NUS, आप देख लेना, बहुत ही फेमस है। अगर आपको एडमिशन मिलता है इन कोर्सेज में तो जरूर ले भाई, अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। नौवे नंबर पे NTU मेडिसिन, मेडिसिन और हेल्थ केयर तो हमेशा सिंगापुर ने अलाउ करा है, तो NTU मेडिसिन और भी सेक्टर्स है तो आपकी जॉब लग सकती है। पैकेज जो मैं बता रहा हूँ 60,000 के आसपास आपका ईयरली होगी। नंबर नाइन पे आपको बताएं, नंबर टेन पे रखी है मैंने NTU डबल डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स। तो भाई देखो, इसमें डबल डिग्री का मतलब इंजीनियरिंग भी आपको मिलेगा, इकोनॉमिक्स, तो कहने का मतलब जो सिंगापुर में जो इनका पैकेज देखो 60,000, तो कहने का मतलब कुल मिला के ऑन एन एवरेज अगर आप IT मेडिसिन लॉ डिग्री और कुछ मैनेजमेंट बिजनेस एनालिटिक्स या डाटा एनालिटिक्स की डिग्रियां करते हैं, तो भाई आपका जॉब पक्का हो जाएगा सिंगापुर। और बहुत सारी डिग्रीज हैं, लेकिन जो इनमें फेमस, तो आप देखो सिंगापुर में डिमांडिंग किसकी है, IT की है, मेडिसिन की है, लॉ की है। नंबर चौथे नंबर बिजनेस एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, सिक्योरिटी जिसे बोलते हैं, और मैनेजमेंट की जॉब्स और भी हैं बहुत सारी, लेकिन ये जो है मोस्ट डिमांडेबल है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।